हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल रैपर्स या स्प्रिंग रोल शीट्स। इसे हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे हम स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, फ्रेंकी, समोसे, चाइनीज़ समोसा, ये सब हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी मैदा, मैंने ऊपर तक भर ली थी, और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच नमक। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि आटा अभी भी पकड़ नहीं रहा है, तो हम इसमें थोड़ा और तेल डालेंगे। मैंने 1/2 बड़ा चम्मच और तेल डाला है और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो अब इसमें डालेंगे हम पानी और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये रोटी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट आटा होगा, इसे लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। हम इसे जितना अच्छे से मसलेंगे, ये बहुत अच्छे से रोटी सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसे फिर से मसल लेंगे। आटे को टक करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। अब हम इसे फिर से 1-2 मिनट के लिए मसल लेंगे और फिर आटे को डिवाइड कर लेंगे। हम इसकी इक्वल साइज़ की लोइयां बना लेंगे और इसके गोल पेड़े बना लेंगे। फिर हम इसे बेल लेंगे। सूखा आटा मैदा लगाया है मैंने। इसे हम पूरी की साइज़ जितना हम बेल लेंगे, एक बना के उसे साइड में रख देंगे और इसी तरह दूसरी भी रोटी बनाएंगे पूरी की साइज़ जितनी। हमें ये ध्यान रखना है ये दोनों इक्वली सेट हो, इसके जो एंड्स हैं वो मिलते हों। फिर इसमें हम अच्छे से तेल लगाएंगे। तेल बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे, कॉर्नर में भी लग जाना चाहिए अच्छे से तेल। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे और फिर रोटी को दूसरी के ऊपर रख देंगे। ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करके सूखा आटा लगाकर हम बेल लेंगे। बेलते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसे पलट पलट कर बेलेंगे। अगर हम एक ही साइड से इसे बेलते रहेंगे तो ऊपर वाली जो रोटी है वो अच्छे से फैल जाएगी और पतली होगी, बट नीचे वाली रोटी छोटी रह जाएगी और वो पतली नहीं होगी। तो हम इसे फैलाते रहेंगे और पलटते रहेंगे, जितना पतली हो सके हम इसे पतली बनाएंगे। रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हम इसे प्लेट पर रख देंगे और उसे ढक देंगे। इसी तरह हम अपनी दूसरी भी रोटी तैयार करेंगे पूरी की साइज़ की, बना के साथ एक जोड़ देंगे। तेल और सूखा आटा लगाएंगे उस पर, इसके एज बिल्कुल मिल जाने चाहिए। अगर आपको लगता है एज नहीं मिलते हैं तो आप उस हिसाब से आप बेल लें ताकि एज मिलते हों। हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे इस तरह। फिर तवे पे हम थोड़ा सा तेल लगाकर उसे टिश्यू पेपर की मदद से फैला लेंगे। इस पर रोटी रखेंगे। हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, इनफैक्ट हमें इसे पकाना नहीं है, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए बस इतना ध्यान रखना है। ये बिल्कुल वाइट रहनी चाहिए। एक साइड को हम लगभग 20 सेकंड के लिए हम रखेंगे और फिर इसे पलट देंगे। ये बिल्कुल रेडी है, वाइट रहनी चाहिए। इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां बना लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहनी चाहिए। इसी तरह हम अपने सारे स्प्रिंग रोल रैपर्स तैयार कर लेंगे। स्प्रिंग रोल रैपर्स तैयार है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे।
ये ठंडा हो जाए फिर हम इसकी जो हमने दो रोटियां बनाई थी उसे अलग कर लेंगे। ऐसे हल्के हाथ से हम अलग कर लेंगे। हमने इसमें तेल इसीलिए लगाया था ताकि दो रोटियां हैं वो इजीली अलग हो सके। इसे हम बिल्कुल ध्यान से और हल्के हाथ से अलग करेंगे। ये दो रैपर्स तैयार हो चुके हैं अभी। इसी तरह हम सारे रैपर्स को अलग कर लेंगे। हम अगर रोटी को ज़्यादा सेक लेंगे तो ये अलग होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इसे बहुत सॉफ्ट रखना है। आप देख सकते हैं ये बहुत इजीली निकल रही है। हम इसे हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। हमारी सारे स्प्रिंग रोल रैपर्स तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल पतले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।